माई चैनल टीच टू टीच बाय उस्मान। इस वीडियो में मैं BLIS कोर्स के बारे में डिटेल से बात करूंगा और इस वीडियो को बनाने का मोटिव मेरा ये है कि BLIS का जितना भी स्टडी मटेरियल है वो सभी का सभी इंग्लिश लैंग्वेज में अवेलेबल है, जिस वजह से हिंदी मीडियम के बच्चों को काफ़ी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। तो वो इस वीडियो के माध्यम से हिंदी जितने भी हिंदी स्टूडेंट हैं BLIS के उनको काफ़ी हेल्प मिलेगी। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं छोटी सी डिटेल्स बताना चाहूँगा एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कि हमारे एग्ज़ाम में कौन सा सब्जेक्ट प्रैक्टिकल का है और कौन सा सब्जेक्ट प्रैक्टिकल का नहीं है। जैसा कि आप सभी लोग जानते हो कि BLIS में 9 सब्जेक्ट होते हैं हमारे 2-1 से लेके 2-9 तक, जैसे कि 2-1, 2-2, 2-3, 2-4, 2-5, 2-6, 2-7, 2-8, 2-9, ये 9 सब्जेक्ट होते हैं। अब इसमें से बच्चों को काफ़ी कन्फ्यूजन होती है कि कौन सा पेपर प्रैक्टिकल का है, कौन सा पेपर प्रैक्टिकल का नहीं है। तो प्रैक्टिकल की पेपर की अगर बात की जाए तो 2-4 और 2-9 का जो पेपर होता है वो प्रैक्टिकल का होता है। आई होप कि आप में से कुछ बच्चों का प्रैक्टिकल हो गया होगा और जिसका नहीं हुआ है, सिचुएशन ठीक होते ही उसका भी प्रैक्टिकल ले लिया जाएगा, डोंट वरी। अब हम बात करते हैं 2-5 का। कुछ बच्चों की क्वेरीज भी ये होती है कि 2-5 का जो पेपर है, जो स्टडी मटेरियल है वो इंग्लिश में है। हाँ, ये बात सही है कि 2-5 का जितना भी स्टडी मटेरियल है या जितना भी पेपर है वो सारा हमारा इंग्लिश मीडियम में ही है और सभी बच्चों को इंग्लिश में देना होगा। अब हम बात करते हैं 2-7 की। ये पेपर एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसको गौर से सुने और इसको राइट डाउन कर ले हो सके तो। 2-7 का पेपर जो एग्ज़ाम में जो आता है वो 2 पार्ट्स में डिवाइड होता है। अब 2 पार्ट्स में भी हमारे 3 क्वेश्चन होते हैं, तो देखते हैं कौन कौन से होते हैं। पार्ट 1 की अगर हम बात करें तो पार्ट 1 में हमारा DDC होता है, जैसा कि DDC आपने पढ़ा होगा, डेवी डेसिमल क्लासिफिकेशन। ये एक क्लासिफिकेशन पद्धति है जिसके अंतर्गत लाइब्रेरी की जितनी भी बुकें होती हैं उनको वर्गीकरण किया जाता है। इसकी खास बात यह है कि इसमें पूरे संसार का ज्ञान को शामिल किया गया है और उसके लिए एक नंबर फिक्स किया हुआ है, वो नेक्स्ट वीडियो में हम बताएंगे कि कैसे नंबर मिलते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं पार्ट 2 की। पार्ट 2 जो होता है उसमें 2 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने होते हैं, एक AACR2 और एक MARC21। AACR2 क्या होता है, ये कैटलॉगिंग होती है, ये टेबल पर हमें करना होता है। इसमें 11 क्वेश्चन होते हैं, 6 AACR क्या बनाने होते हैं और 5 हमें MARC21 के करने होते हैं। और DDC के 7 क्वेश्चन होते हैं जिसमें से हमें 5 क्वेश्चन करने होते हैं। आई होप कि आपको समझ में आया होगा कि कौन सा पेपर प्रैक्टिकल का है, कौन सा पेपर हमें इंग्लिश में देना है और 2-7 को किस तरीके से हमें अपनी स्टडी में उतारना है। तो आप एक बार इसकी स्क्रीनशॉट पुस्तकालय का अर्थ, उसकी परिभाषा कि पुस्तकालय का क्या अर्थ होता है, पुस्तकालय की क्या परिभाषा होती है। पुस्तकालय उस स्थान को कहते हैं जहाँ पर अध्ययन सामग्री संग्रहित रहती है और इस सामग्री की सुरक्षा की जाती है। पुस्तकालय में जितनी भी पाठ्य सामग्री होती है, पुस्तकालय में जितनी भी सामग्री होती है उसकी देखरेख की जाती है ताकि वे नष्ट ना हो, खराब ना हो। ठीक इसी के विपरीत जो एक बुक सेलर होता है, बुक सेलर के पास पुस्तकों का भंडार तो रखा रहता है लेकिन हम उसको पुस्तकालय नहीं कहते। पुस्तकालय इसलिए नहीं कहते क्योंकि वहाँ पर वह पुस्तकें जो हैं वो व्यवसायिक दृष्टि से रखी होती है और लाइब्रेरी में जो है वो सेवार्थ की दृष्टि से रखी जाती है कि यूज़र को हम उसकी सेवा प्रदान करें। अब हम बात करते हैं लाइब्रेरी शब्द की उत्पत्ति किस शब्द से हुई है। लाइब्रेरी शब्द की उत्पत्ति जो है वो लैटिन शब्द से हुई है। लैटिन शब्द से भी किस शब्द से हुई है, लैटिन शब्द के लाइबर से हुई है। लाइबर का क्या अर्थ होता है, लाइबर का अर्थ होता है पुस्तक का घर। अब ये तो हमने अभी तक परिभाषा पढ़ी किस शब्द से निकल कर बना, अब हम बात करते हैं कि लाइब्रेरी की समाज में क्या भूमिका होती है, कि इसकी इम्पोर्टेंस क्या है। अगर हम सोसाइटी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो लाइब्रेरी की सबसे पहली आवश्यकता समाज में जो होती है वो शिक्षा प्रसार में होती है। अब शिक्षा प्रसार में भी 2 प्रकार की शिक्षाएं होती हैं, एक औपचारिक शिक्षा है और एक अनौपचारिक शिक्षा। औपचारिक शिक्षा उस शिक्षा को कहा जाता है जिसमें फेस टू फेस जो यूजर है वो अध्ययन सामग्री को प्राप्त करता है। इसके अंतर्गत हमारे स्कूल कॉलेजेस जो रेगुलर कॉलेजेस होते हैं वो आ जाते हैं। अनौपचारिक शिक्षा में पुस्तकालय की भूमिका बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है।
अनौपचारिक शिक्षा में जो पाठक है, जो पढ़ना चाहता है, वो अप्रत्यक्ष रूप से अपनी शिक्षा को ग्रहण करता है और उसकी जो जरूरत होती है वो पुस्तकालय पूरी करती है। तो एक तो पुस्तकालय की समाज में इसलिए आवश्यकता है ताकि वह शिक्षा के क्षेत्र में अपने आप को, लोगों को अपनी सेवाएं प्रदान करे। अब हम बात करते हैं शोध कार्य। आज टेक्नोलॉजी का जमाना है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी जो है वो काफ़ी विकसित होती जा रही है, रिसर्च बहुत ज़्यादा करने होते हैं और रिसर्च के लिए पढ़ना बहुत ज़रूरी होता है और कुछ रिसर्चर्स हमारे ऐसे होते हैं जिनको काफ़ी अध्ययन सामग्री की ज़रूरत होती है जिसको पुस्तकालय पूरा करती है। पुस्तकालय में सभी प्रकार की पुस्तकें रखी होती हैं, चाहे वो साहित्य से रिलेटेड हो, चाहे वो शोध से रिलेटेड हो। अब हम बात करते हैं मनोरंजन की। पुस्तकालय मनोरंजन के लिए भी एक अच्छा साधन है। पुस्तकालय में जैसा कि मैंने बताया था कि साहित्यिक चीज़ें रखी जाती हैं, शोध से रिलेटेड चीज़ें होती हैं, वहीं पर मनोरंजन की चीज़ें रखी जाती हैं। अगर हम स्कूल लाइब्रेरी की बात करें तो स्कूल लाइब्रेरी में भी अगर हम प्राइमरी स्कूल लाइब्रेरी की अगर हम बात करते हैं, जो प्राइमरी स्कूल होते हैं उसमें जो बच्चों को जो बुक्स दी जाती है वो कॉमिक्स होती है ताकि बच्चों का मनोरंजन हो, और कुछ नाटक वगैरह भी होते हैं पुस्तकों के माध्यम से, लोग उसको पढ़ते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं प्रजातांत्रिक मूल्यों का विकास। अब प्रजातांत्रिक जिस देश में हम रह रहे हैं वह देश हमारा लोकतांत्रिक है, और लोकतांत्रिक वाले देश में सभी का समान रूप से विकास हो, सभी को समान रूप से अधिकार प्राप्त हो और लोग समाज के प्रति जागरूक हो, तो उसके लिए भी पुस्तकालय अपनी महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती है। सबसे इम्पोर्टेंट रोल हमारा पुस्तकालय का आता है परिवर्तनशील समाज। परिवर्तन जो है वो नियति का रूल है, आए दिन समाज डेली बेसिस पे चेंजेस होती रहती है, लेकिन लाइब्रेरी जो है वे परिवर्तनशील समाज को भी अपने कंट्रोल में रखती है, नियंत्रण में रखती है कि ना जाने कौन सा यूज़र कब कौन सी बात या कौन सी पुस्तक मांग ले, तो उसके माध्यम से भी ये प्रकार की सभी सेवाएं दी जाती है। आई होप कि आपकी इस वीडियो में बहुत कन्फ्यूज़न दूर हुई होगी और ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आप चाहते हो कि हिंदी मीडियम में और वीडियो आपको मिले तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियो आपको तुरंत मिल सके। थैंक यू, धन्यवाद, और जो भी आपकी क्वेरीज वगैरह हो वो आप कमेंट में लिख सकते हो।